एक मिनट, मैंने इन सबको भेजी। ओके बेटा, ओके अब हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास इनइक्वालिटीज का पार्ट टू, अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारी सिर्फ दो एक्सरसाइजेस रह गई हैं और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये टू ई वाले क्वेश्चंस, ये ज्यादातर क्वेश्चन टू ई और टू एफ वाले क्वेश्चंस पास पेपर में बहुत आते हैं। तो टू डी भी हमने करवाई थी, तो टू डी के ऑल क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था बेसिक्स थे, वो आपने करने हैं। अब आ जाए हमारे पास टू ई एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ऑल पार्ट में खुद करवाऊंगा। क्वेश्चन वन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 12। अच्छा, एक इनइक्वालिटी दे रहा है एक्स 12 से बड़ा है और दूसरी इनइक्वालिटी दे रहा है 4 और लेस देन 55। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज साइमल्टेनियसली। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियस सॉल्व करो और इसका पेयर ऑफ आंसर्स निकालो, यानी इन दोनों के कंबाइन आंसर्स क्या होंगे। क्लियर? अच्छा, ये वाली पहली वाली इनइक्वालिटी देखे तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर है, इससे मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकती ये वाली इनइक्वालिटी, सही बेटा। और इस इनइक्वालिटी ये आगे हो सकती है, तो 4 यहां पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इक्वल को सिर्फ जाके क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपने 55 माइनस 4 कर देंगे, सही है, 55 माइनस और 3x और ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड से आपने 3 को एलिमिनेट करने, यानी सिंगल x को सिंगल करना है, यानी x को सब्जेक्ट बनाना है, तो 3 से दोनों तरफ आप डिवाइड कर देंगे, 3 से दोनों तरफ आप पॉजिटिव 3 से करेंगे तो ऑपरेटर इन्वर्ट नहीं होता, एज इट इज रहेगा। और ये 3 से 3 कैंसिल, 51 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17। अब यहां पे ये वाली इनइक्वालिटी कह रही है x 17 से छोटा है, 17 और 7, और यहां पर कह रही है x, ये ओपन साइड ग्रेटर होती है, x इज ग्रेटर देन 12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका आंसर इस तरह से आप लिख देंगे, x 12 से बड़ा है और लेस देन इन इक्वल टू 17, यानी इन दोनों इनइक्वालिटीज के जो हमारी दोनों इनइक्वालिटीज है इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें, यानी हमारे आंसर 12 से 17 के बिटवीन ऑल वैल्यूज एंड 17 आल्सो। तो हमारे इन दोनों इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया, पहली वाली इनइक्वालिटी ऑलरेडी सॉल्व की ए पार्ट की, वो उससे ज्यादा आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती थी। सेकेंड इनइक्वालिटी को हमने लिया और उसमें से एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, 4 यहां पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इक्वल को सब जाके माइनस हो जाएगा और 55 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और यहां पे x को करना है तो दैट मीन 3 इस 3 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ 3 से पॉजिटिव 3 से डिवाइड कर देंगे। जब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं ऑपरेटर वैसे का वैसे ही रहता है, अगर लेस देन है तो लेस देन रहता है, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहता है। तो यहां पे x हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 3 इट इज 17। अब यहां पे ये वाली इनइक्वालिटी कह रही है कि x 17 से 17 और 17 से छोटी छोटी वैल्यूज, और ये कह रही है 12 और 12, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने इस तरह से लिख दिया, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ए पार्ट जी मुझे बताएं, ए पार्ट समझ में आया बेटा? हेलो जी, ये समझ में आ रहा है ना जी? एक मिनट, में मीटिंग लिंक एक बच्चे और को भेज दूं, उसको मैंने नहीं सेंड किया हुआ। ये हमने क्वेश्चन वन किया है, सही बेटा। अब कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन इसके पार्ट करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट में आते हैं। अब बी पार्ट के अंदर हमारे पास देखिए हमारी इनइक्वालिटी है एक्स इज लेस देन 6 और दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, सेकेंड वन इनइक्वालिटी इज आपके 12x प्लस 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, सही है, और ये 35 से बड़ी है, सही है, बात समझ में आई। अब ये वाली जो पहली वाली इनइक्वालिटी है, ये वाली इनइक्वालिटी ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर, इससे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, बट दूसरी जो इनइक्वालिटी है वो अनसिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर, उसको सिंप्लीफाई हमने करना है। तो 23 यहां पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सही है, 35 माइनस 23 हो जाएगा और 12x, और ये आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 35 माइनस 23 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्या आ गया, 12। अब यहां पर 12 जाहिर है, मुझे एक्स को लेकर दोनों तरफ आपने 12 से डिवाइड कर दें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 12 से डिवाइड कर दें और राइट हैंड से इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे 12 से डिवाइड कर दें, तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 12 डिवाइडेड बाय 12 ये 1 हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 1। अब यहां पर ये वाली इनइक्वालिटी कह रही एक्स 1 से बड़ा है और ये कह रही एक्स 6 से छोटा है, तो कंबाइन करके इन दोनों को कैसे लिखेंगे, कंबाइन करके ऐसे लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू 1 ऐसे लिखूंगा और x is less than 6, यानी कि 1 से सारी बड़ी वैल्यूज और 6 से सारी छोटी वैल्यूज आपके आंसर है, ये कंबाइन करके आपने लिख दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ रही है?
इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे और दोनों इनइक्वालिटीज को देखते हो कंबाइन आंसर लिखेंगे, कंबाइन इनइक्वालिटी करेंगे, सही है, इसका ये मतलब है। अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास आते हैं, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट हम करते हैं, वन बाय वन सारे पार्ट हमने मैंने आपको करवाने। अब ये क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन पार्ट सी, पार्ट सी के अंदर हमारी क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, एक इनइक्वालिटी है, दूसरी इनइक्वालिटी एक्स प्लस थ्री लेस देन फोर, ये इनइक्वालिटी है। अब जरा गौर से देखें तो इस इनइक्वालिटी के अंदर ये इनइक्वालिटी ऑलरेडी ग्रेटर देन माइनस टू और ये इनइक्वालिटी क्या है आपके पास, लेस देन आपके पास है, क्या है, लेस देन आपके पास है, सही है बेटा, ओके ये इनइक्वालिटी आपके पास क्या है, लेस देन है, ओके ये हमने, हम एक मिनट बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए, ओके इस इनइक्वालिटी, अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को मैंने क्या करना है, सॉल्व करना है, और यहां पर ये तो ऑलरेडी पहली वाली ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर, ये वाली नहीं है, तो थ्री यहां पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इक्वल को सर्व जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री, और एक्स इज लेस देन वन हो जाएगा, एक्स इज लेस, अब एक आंसर क्या है, एक्स वन से छोटा और यहां पर क्या, माइनस टू से बड़ा, माइनस टू और माइनस टू से, तो इन दोनों इनइक्वालिटी कंबाइन करेंगे तो मैं किस तरह से लिखूं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू एंड लेस देन वन, तो ये मैंने इनको कंबाइन करके लिख दिया, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, कंबाइन आंसर आ जाएगा, सही बेटा, तो ये दो इनइक्वालिटीज होंगी, मैं भी दोनों सिंप्लीफाई करनी पड़े, मैं भी एक एक को अलजेब्रा करना पड़े, तो इस सी पार्ट तक के जो पार्ट है उनमें एक को हम एक ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर है, यानी एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस टू, ये और इससे आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, बट जो नेक्स्ट है उसमें वो सिंप्लीफाई हो रही है, उसमें थ्री क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, एक्स इज लेस देन वन हो जाएगा, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू एंड लेस देन वन हो जाएगा, सही है। अब क्वेश्चन नंबर वन का डी पार्ट पे हम आ जाते हैं, डी पार्ट हमारा क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी पार्ट सॉरी टू एक्स, टू एक्स हमारे पास क्या है, लेस देन माइनस फोर है, लेस देन आपके पास क्या हो गया, माइनस फोर, और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स प्लस 32 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा, सही है। अब अगर गौर से इन दोनों इनइक्वालिटी को सेमटेनियस सॉल्व करना है, इनइक्वालिटीज किस तरह सेमटेनियस सॉल्व होती है वही चीजें मैं बता रहा हूं। अब पहली वाली इनइक्वालिटी देखें तो ये वाली इसमें भी अलजेब्रा हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां मुझे एक्स को अकेला करना है, अब एक्स को अकेला करना है दोनों तरफ एक्स टू से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर टू से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड पर भी टू से डिवाइड कर दिया, जब दोनों को टू से डिवाइड कर दिया तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज लेस देन माइनस टू आ जाएगी। अच्छा, ये इससे आगे इनइक्वालिटी ये मैनिपुलेट नहीं हो पाएगी, सॉल्व नहीं हो पाएगी, यानी सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगी। अब यहां पर इस इनइक्वालिटी को देखें, 32 यहां पर क्या हो रहा है, प्लस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 8 माइनस 32 हमारे पास करेंगे, और 32 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और ये इनइक्वालिटी क्या आएगी, माइनस 24 आपके पास आ जाएगा, सही है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से मुझे एक्स को खत्म करना है तो दैट मीन दोनों तरफ 6 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, यानी इस तरफ भी 6 से डिवाइड किया और इस तरफ भी 6 से डिवाइड कर दिया मैंने, और ये कैंसिल हो जाएगा, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 से करूंगा, 6 4 होगा। अब इस इनइक्वालिटी ने कहा कि एक्स माइनस 4 से सारी बड़ी वैल्यूज आपके आंसर है, और उसने कहा माइनस 2 से सारी छोटी वैल्यूज आंसर है, तो इसको कंबाइन करके मैं किस तरह से लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4, सही, और लेस देन माइनस टू, लेस देन माइनस टू, क्योंकि जो ऑपरेटर है उसी ऑपरेटर कंबाइन करके मैंने लिख दिया, इनको मैं जो कंबाइन करके लिखना है, तो ये जो कंबाइन करके मैंने लिखा ये मेरा आंसर आ गया इसका, सही है। माइनस टू से सारे छोटी वैल्यू, दैट मीन माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, और दूसरा कह रहे हैं माइनस 4 से बड़े, माइनस 4 से बड़े माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, तो इसको इन दोनों को कंबाइन करके मैं कैसे लिखा, माइनस 4 से बड़े और 2 माइनस 2 से छोटे, तो उसमें जो जिसमें इक्वल टू भी साथ में, उसमें इक्वल टू भी साथ में लिखूंगा मैं, सही है। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन नंबर वन का आप आ जाइए ई पार्ट पे आ जाएं। ई पार्ट आपके इसके 3x less than 9, ये इनइक्वालिटी है, और दूसरी इनइक्वालिटी के 5x minus 4 और less than 6, सही है। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनइक्वालिटी एक टॉपिक है आपके पास ओ लेवल मैथमेटिक्स के अंदर, इसके दो पोर्शन है, एक अलजेब्रिकल पोर्शन है और एक ग्राफिकल पोर्शन है। जो अलजेब्रिकल पोर्शन है ये मैं करवा रहा हूं, इसमें पहला पार्ट करवा रहा हूं अलजेब्रिकल, उसमें कल की क्लास के अंदर बेसिक इनइक्वालिटीज किस तरह से सिंप्लीफाई होती है वो करवाएंगे। अब जरा थोड़े ज्यादा अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं वो क्वेश्चन डील कर रहे हैं, यानी दो इनइक्वालिटीज को सेमटेनियस सॉल्व किस तरह करते हैं, तो इस तरह से और आगे और भी क्वेश्चन अच्छे आएंगे।
अब देखिए पहली वाली इनइक्वालिटी देखी मैंने, ये भी सिंप्लीफाई आगे होगी, क्या होगी दोनों, क्योंकि यहां पर मुझे एक्स को अकेला करना है तो दोनों तरफ थ्री से डिवाइड कर दूंगा, यानी यहां पर भी थ्री से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी थ्री से डिवाइड, तो एक्स इज लेस देन ये कैंसिल, ये से कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल होगा, क्या आएगा थ्री आएगा। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर फोर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सिक्स प्लस फोर आपके साथ जाएगा, और ये फाइव एक्स और ये कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा। अब मुझे यहां पर भी एक्स बनाना है तो दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा फाइव से डिवाइड कर दूंगा, फाइव से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा टेन डिवाइडेड फाइव, और ये मेरे क्या आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन टू। यहां पे कह रहा है एक्स टू से बड़ा है और यहां पे कह रहा है एक्स टू से छोटा है, तो कंबाइन करके कैसे लिखूंगा एक्स ग्रेटर देन टू एंड ओपन साइड लेस देन थ्री, ये क्लोज साइड लेस होती है और वो ओपन, कंबाइन करके इस तरह से लिख दिया दोनों इनइक्वालिटीज को, दिखा मैंने उन दोनों को कंबाइन करके मैंने लिख दिया, ये मेरा आंसर आ गया ई पार्ट का। सही है बेटा, ये समझ में आया क्वेश्चन। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आते हैं एफ पार्ट पे, हमारे पास आते हैं एफ पार्ट के फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टेन और ये आपके थ्री एक्स माइनस नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स आपके सोचेगा। अब इस इनइक्वालिटी को करना है तो देखिए यहां पर मुझे क्या करना है, इस इनइक्वालिटी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो इधर एक्स करना है, लेफ्ट हैंड साइड एक्स करना है तो फोर से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, इधर भी फोर से डिवाइड कर दिया और इधर भी टेन डिवाइडेड बाय फोर कर दिया और ये एक्स आ गया और ये आपका 5.2, 5.2 मींस क्या होता है एक्स डेसिमल में लिखना चाहो लिख लो 2.5, क्या आ जाएगा 2.5। ओके बेटा ये वाली इनइक्वालिटी तो हो गई हमारे पास। दूसरी करेंगे, सबसे पहले 9 यहां पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9 और ये 3x और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब 3 से यहां पर मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है तो 3 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा मैं और दोनों तरफ यानी 15 डिवाइडेड बाय 3 यहां पर भी किया और ये मेरे कैंसिल हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब 15 5, हां सही, ओके कह रहे हैं x 5 से बड़े हैं और 2.5 से भी बड़े हैं तो यहां पर ये अजीब सा आपके आंसर आए दोनों के। अब इसमें कह रहे हैं कि देखें आप कहते हो, अब ये एक बंदा है आप कहते हो कि यार मेरे ये दो इनइक्वालिटी, अब दोनों में इसमें क्या कह रहे हैं, इसकी दोनों की नंबर लाइन बनाते हैं दोनों समझने के लिए, पहली नंबर लाइन बनाते हैं पहले वाले की, सही नंबर लाइन बना के फिर इसको नंबर लाइन बना के फिर इसको आंसर को जस्टिफाई करेंगे उस वो तो आंसर नंबर, क्योंकि उसकी भी नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन पहले उसको देख लेते हैं उसकी नंबर लाइन क्या है इनकी प्रीवियस क्वेश्चन ई क्वेश्चन की, मुझे नंबर लाइन से भी एक्सप्लेन करना चाहिए था मैंने नहीं किया मगर मैं एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूं। अब प्रीवियस क्वेश्चन ई क्वेश्चन को देखें, पहले इनइक्वालिटीज तो ये 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2। अब देखिए पहले एक्स इज ग्रेटर देन टू, एक्स इज ग्रेटर देन टू सर्कल बना दिया इधर और टू से बड़े, ये आपके साथ आ गया आंसर। दूसरी इनइक्वालिटी क्या बता रही है, एक्स इज लेस देन थ्री, एक्स क्या है थ्री से, तो यहां पर एक सर्कल बनाया और लेस देन थ्री इधर आप गेस कर दिया, तो इसका मतलब क्या है दोनों का कंबाइन पोर्शन क्या है, दोनों इनइक्वालिटी का दोनों का कंबाइन पोर्शन ये है, ये कंबाइन पोर्शन है दोनों का, तो ये आ जाएगा एक्स टू से बड़ा और थ्री से छोटा है तो दोनों का कंबाइन पोर्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यानी कंबाइन नहीं, तो एक्स टू से बड़ा और थ्री से छोटा, यानी कि यहां पर टू पर एक सर्कल बना दिया और एक थ्री पर सर्कल बना के इस तरह से, ये इसकी कंबाइन इनइक्वालिटी, प्रीवियस की भी आप नंबर लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन से अच्छे तरीके से समझ में आता है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में नंबर लाइन से करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या होगा -1, -2। अब देखो बेटा पहली वाली इनइक्वालिटी बनाता हूं, एक्स इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका मतलब 5 पे आपने सर्कल बनाना है, सॉलिड सर्कल बनाना है, होल नहीं करना सर्कल के अंदर, और आप कह रहे बड़ा 5 से बड़ा तो आपने इस तरफ एरो बना दे। दूसरी इनइक्वालिटी 2.5 से बड़े, अब 2.5 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो उसकी इनइक्वालिटी को मैं कलर चेंज कर 2.5 यहां पे आ रहा है, तो 2.5 पे आपने यहां पे सर्कल बनाना है और इसको आगे की तरफ ऐसे ले जाना है, सही है। अब इन दोनों के कंबाइंड पोर्शन कौन से, इन दोनों का कंबाइंड पोर्शन आपके पास कौन सा है वो मैं अपने पसंदीदा कलर में करता हूं, इन दोनों का कंबाइंड पोर्शन, दोनों का जो कंबाइंड पोर्शन है वो कौन सा कंबाइंड पोर्शन है, ये कंबाइंड दोनों का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है सिर्फ दोनों का कंबाइन है, बोथ यानी कि ये वाला पोर्शन दोनों का, तो आंसर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये विद इन अ रेंज नहीं लिखा जा रहा, ये इस क्वेश्चन की इनइक्वालिटी विद इन अ रेंज नहीं लिख सकते हम, सही है। तो इस तरह से नंबर लाइन में मैंने आपको बता दिया कि एक 2.5 से बड़े जा रहे हैं, दूसरे क्या है 5 से बड़े जा रहे हैं, तो दैट मीन दोनों का कंबाइन, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कंबाइन कौन सा पोर्शन है, ग्रेटर देन 5, सही है, ग्रेटर देन 5, सही है।
अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक एक कहता है कि यार एक आपका दो, आप दो दोस्त रनिंग करते हो, एक कहता है यार मैंने तो 5 किलोमीटर से ज्यादा वॉक की है, दूसरा कहता है मैंने 2.5 किलोमीटर से ज्यादा वॉक की है, तो अगर मैं दोनों की कंबाइन करूंगा तो इसका मतलब मैंने कहूंगा कि यार दोनों ने 5 किलोमीटर से ज्यादा की है। एक एक अजम्पशन की बात करते हैं ना, तो दोनों ने 5 किलोमीटर से ज्यादा, तो दोनों की कंबाइन हमने निकालनी है अगर इस फॉर्म में हो, तो ये बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप नंबर लाइन से करें, नंबर लाइन से आपको अच्छे तरीके से, सॉरी मैंने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर नंबर लाइन नहीं की क्योंकि वो विद इन अ रेंज थी, तो वो भी अभी आप अगले क्वेश्चन में सब में नंबर लाइन बना देता हूं, ये एफ क्वेश्चन है सही है, और आगे क्वेश्चन में नंबर लाइन बनाऊंगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा नंबर लाइन से। अब देखिए बेटा जी पार्ट, जी पार्ट के अंदर क्या क्वेश्चन नंबर वन, अब क्वेश्चन वन का जी पार्ट क्या इनइक्वालिटी क्या 5x < 10, और दूसरी इनइक्वालिटी सी के अंदर क्या इन दोनों इनइक्वालिटी को मुझे क्या करना है 7 सॉल्व करना है। अब दोनों के अंदर अलजेब्रा पॉसिबल है, दोनों के अंदर अलजेब्रा, यानी ऐसा नहीं है कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले के अंदर ए और बी पार्ट और सी पार्ट के अंदर पहले वाली इनइक्वालिटी में सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर थी, आगे नहीं हो सकती थी, सेकंड वाली होती थी, मतलब इसमें दोनों हो रही, तो यहां से मुझे एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दूंगा, यानी यहां पर भी 5 से डिवाइड किया और यहां पर भी 5 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज लेस देन एन इक्वल टू आपके आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये इनइक्वालिटी आ गई, और फिर आपने क्या कर दिया 7 यहां पर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आपके पास क्या जाएगा 3 3 - 7 आपके पास हो जाएगा, और ये आपके पास 2x और ये आपके पास -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी 2 से डिवाइड कर दिया और यहां पर भी आपके पास क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, और x इज लेस देन -2 सही है, ये आ गई इसकी इसकी सिंप्लीफाई वर्जन। अब दोनों की मैं नंबर लाइन बनाता हूं, नंबर लाइन से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब नंबर लाइन दोनों की बनाता हूं, मैंने क्या किया दोनों की नंबर लाइन कैसे बनाई, मैंने यूं कर दी, ये मेरे पास लाइन हुई, अब ये मेरे पास कर दिया, अब ये मेरे पास आप कैसे कह गए ये मेरा 0 1 2 3 -1 -2 -3 सही, और ये 4 भी कर दीजिए आप। अब पहले वाली कह रहे 2 से छोटे 2 और 2 भी शामिल है तो दैट इक्वल टू भी उसमें साथ है, तो 2 पर वो सॉलिड सर्कल बनाना है, 2 पे सॉलिड सर्कल बनाएंगे आप और इस तरफ लेस देन कह रहे हैं तो इस तरफ वाले आ गए सही है, और इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहा है माइनस दूसरी हम बना लेते हैं, इसमें क्या कहेगा इसमें कह रहा है कि आपके पास इस क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास -2 से छोटे तो -2 यहां पर है और इसमें इक्वल टू नहीं है तो इसमें होल वाला सर्कल बनाएंगे होल वाला लेस देन टू आपके हो जाएगा। अब दोनों का कंबाइन पोर्शन क्या है, दोनों का कंबाइन पोर्शन कहां से शुरू हुआ, दोनों का कंबाइन यानी -2 दोनों का कंबाइन इससे ये लेस, ये जो पिंक कलर में मैंने बनाया ये दोनों का कंबाइन है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा इस इनइक्वालिटी का -2, तो ये इस तरह से आपके ये आंसर होगा सही है, दोनों की इंटरसेक्टिंग रीजन दोनों की कंबाइन आपके वैल्यूज वो आपका आंसर है, ये जी पार्ट था इस क्वेश्चन का। मैं दोबारा अच्छा एच पार्ट करके मैं दोबारा अगर एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये हम दो इनइक्वालिटीज को सिमेट्रिकली सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा लीनियर इक्वेशन को सिमेट्रिकली सॉल्व करना आपको आता है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, इनइक्वालिटीज को कैसे सिमेट्रिकली सॉल्व करते हैं ये वो टेक्निक्स बता रहा हूं। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन एच क्वेश्चन पे बेटा, 6x 12 और ये क्या x - 2 > 2 आपके ये इनइक्वालिटी। अब एक मिनट बेटा आसान हो जाए, ओके बेटा एच पार्ट के अंदर हमारे पास क्या दो इनइक्वालिटीज है, इन दोनों इनइक्वालिटीज को मुझे सिमेट्रिकली सॉल्व करना था, तो लेफ्ट पहली वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी को मैंने क्या किया मुझे x बनाना है तो दोनों तरफ मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, यानी 6x / 6 कर दूंगा 12/6 कर दिया तो x इज लेस देन 2 आ जाएगी, और बिल्कुल यहां पर भी x को सब्जेक्ट बनाना था तो 2 यहां पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 + 2 = 4 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4। अच्छा दोनों की नंबर लाइन बना दी, ये वाली पहले किसकी बनाई, ये बनाई x is greater than 4 की बना दी, और ये किसकी बनाई x is less than and equal to 2 और यहां पे 2 पे होगा तो सॉलिड सर्कल होगा। अब देखो दोनों की जो कंबाइन रीजन तो कोई भी नहीं बन रही, अब एक कहता है कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास कह रहे हैं कि 4 से बड़ी सारी वैल्यू, दूसरी कह रहे हैं 2 से सारी छोटी वैल्यू, तो जब दोनों की कंबाइन कोई वैल्यू ना हो तो नो सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा नो सॉल्यूशन, आप इसको नो सॉल्यूशन लिखते हैं सही है, क्लियर बात समझ में आ रही है। ये आपका एच पार्ट था क्वेश्चन, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर के अंदर ये एच पार्ट था। देखिए बेटा ये हमने 2e का ये क्वेश्चन हमने किए इनइक्वालिटी के, अब इन क्वेश्चंस के अंदर बेटा हमारे पास क्या है, आपके पास
फिर रिपीट कर रहा हूं, इन क्वेश्चंस के अंदर आपने थ्रू नंबर लाइन से आपको कॉन्सेप्ट अच्छे बनेंगे। तो जब भी आप दोनों इनइक्वालिटी करें और आपके उनके कंबाइंड रीजन ना डेवलप हो रही हो, आपको पता ना रही, तो उसमें नो सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये एक ही पार्ट था नो सॉल्यूशन का इस क्वेश्चन के अंदर, नो सॉल्यूशन, कोई आपको सॉल्यूशन मिले। अच्छा, फिर दोबारा मैं इस क्वेश्चन नंबर वन को एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर वन से हमें दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, और वन के हर पार्ट शुरू के पार्ट मैंने नंबर लाइन भी बनाई, तो नंबर लाइन से भी एक्सप्लेन करता हूं। अब ए पार्ट के अंदर कह रहा है कि मुझे इस इनइक्वालिटी को एक्स, इन दोनों को सेम में सॉल्व करना है, ये दो इनइक्वालिटीज हैं, इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेम में सॉल्व करना है। तो पहले वाली मैंने देखी एक्स इज ग्रेटर देन 12, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर है, इससे आगे मजीद नहीं हो सकती। नेक्स्ट अगर देखें तो वो नहीं है, तो सबसे पहले 4 यहां पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और यहां पे x को सब्जेक्ट बनाना है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड x इज लेस देन 17 आ जाएगा, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 17 आ जाएगा, सही बेटा। अब एक इनइक्वालिटी ये है आपके पास और एक ये, अब इनकी कंबाइंड आंसर ये मैंने लिख दिया, मतलब ये कैसे लिखा, अब ये नंबर लाइन इसकी देखें, इसकी नंबर, इसकी भी इनकी कंबाइन देखें, आपको कंबाइन से आपको बहुत अच्छे से नंबर लाइन से बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। ओके, यहां पर आपने क्या किया, 0, 1, 2 और ये चलता जाएगा, और इधर 15, 16, 17, 18 सही, और ये चल, और ये क्या -1, -2 और यहां पर आपके इसके 14 और आपके आप इधर कह दो, आपके इधर बीच में यहां पर 12 भी आ रही है, बीच में डॉटेड है सॉरी, क्योंकि 12 से आप क्या सारे इधर सर थोड़ी सही बना दो जिसमें मेरी विजिबल भी हो, सही है। तो यहां पर क्या कि 0, 1, 1, 2 और ये डॉटेड कर दो, और इधर से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और इस इनइक्वालिटी को आगे की तरफ लेके जाता हूं 17, सही है। अब यहां पर देखिए पहली बारी बनाए 12 से बड़ी, और उधर क्योंकि 12 को होल बनाएंगे और उससे बड़ी कर देंगे, उससे बड़ी हमारे पास करेंगे, तो 12 पे होल बना दिया और उससे बड़ी वैल्यूज, यानी किस तरफ वैल्यूज जा रही बड़ी, इनको इसकी नंबर लाएंगे, पहली वाली निकाल, दूसरी क्या 17 और 17 से छोटी, तो दूसरी वाली के बनाऊंगा 17 पे, वो भी उसमें इक्वल टू भी है साथ में, तो सॉलिड सर्कल बनाऊंगा, कैसे 17 पे कैसे बनाऊंगा सॉलिड सर्कल, और उससे छोटी वैल्यूज, उससे छोटी ये आगे। अब दोनों की कंबाइन कौन सी आ रही बेटा, दोनों की कंबाइन ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन, यानी कि 12 से लेके 12 पे होल और 17 पे जो होल है वो सॉलिड सर्कल बना, इनके दरमियान ये वाली आ रही है, ये नंबर लाइन, तो हमारा आंसर क्या होगा 12 से 17 के दरमियान होगा, तो वो आपने नंबर लाइन से भी एक्सप्लेन करना है, नंबर लाइन से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बन गए, यानी दोनों के कंबाइन आंसर कहां पे लाइक कर रहे, जो दोनों के कंबाइन आंसर होंगे ना वो हमारे आंसर होंगे। ये जो टॉपिक है सेवरेज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अब ए पार्ट मैंने कर दिया, बी सी जिसकी इनइक्वालिटी जिसकी नंबर लाइन नहीं बनी हुई वो आपने खुद करनी है, ये इतने एच पार्ट मैंने करवा दिए, ये कोई अगर इशू होगा आप वीडियो देखिएगा दोबारा से, इसको आपने करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करवा रहा हूं आपको, सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्लियर, दो पोर्शन है मैं दोबारा कह रहा हूं, एक अल्जेब्रिकल पोर्शन है और एक नॉन अल्जेब्रिकल ग्राफिकल पोर्शन का इनइक्वालिटी का होता है। तो अल्जेब्रिकल पोर्शन की ये सेकंड क्लास चल रही है मेरी, फर्स्ट क्लास भी ऑलरेडी मैंने अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं की, मैं अपलोड भी कर दूंगा और ये सेकंड क्लास भी अपलोड कर, दोबारा देखिएगा वन बाय वन, जितने क्वेश्चंस करवाए वो भी करने, जो नहीं करवा रहा वो भी करने, कुछ पार्ट मैंने पीछे स्किप भी किए थे तो वो भी आपने प्रैक्टिस करने। अब यहां पर कह रहे लिस्ट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि आपने लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स, अब ये कंबाइन इनइक्वालिटी दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, आपको कह रहा है क्या कंबाइन इनइक्वालिटी, जो कि दो इनइक्वालिटीज का आपके पास कंबाइन है, ये 6 हो गया सॉरी, और ये आपके पास क्या हो गया 13, और ये लेस देन 7x प्लस 9। देखो बेटा अब आपने ये कंबाइन फॉर्म के अंदर दे रहा है, कंबाइन फॉर्म के अंदर इनइक्वालिटीज को दे रहा है और दो है, अब इसको आपने स्प्लिट करना है। अब आप स्प्लिट करें कैसे करें, इसको अलहदा कर लें, इस पोर्शन को अलहदा कर दें और इस पोर्शन को आप अलहदा कर दें, इससे दो इनइक्वालिटीज सबसे पहले बना दें और दोनों को अलग अलग मैनिपुलेट करें। अब इससे जो मैंने पहली वाली से अलहदा की उसको मैंने लिया 5x + 6 < 30 और दूसरी मैंने ली, दूसरी से मैंने क्या लिया 30 < 17x + 9। अब दोनों में x को सब्जेक्ट बनाना है, दोनों में मुझे क्या करना है x को सब्जेक्ट बनाना है। ओके, अब पहली वाली में लेता हूं तो यहां पर 6 क्या हो रहा है प्लस हो रहे, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 30 - 6, तो 5x और ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 5 इधर क्योंकि x को सब्जेक्ट दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 24 / 5
तो एक्स इज लेस देन आपके पास क्या आएगा 24 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे ही रहने दें, डेसिमल में करने की जरूरत नहीं, इट इज आपके पास अप्रोक्सीमेट 4.9 होगा, 24 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इट इज 4.8 होगा, 4.8 हो जाएगा, डेसिमल में लिखना चाहें क्योंकि ये कैलकुलेटर यूज की जरूरत नहीं, ये आपने लिख दिया सही, लिख भी लें अपनी आसानी के लिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो डेसिमल में इसको लिख लीजिए, सही है, डेसिमल 4.8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4.8, 1 डीबी में आप लिख दीजिए, x is less than 4.8 हो गया, ओके डन। अब इसको देखिए, इसके अंदर आपके पास क्या होगा, इधर से आपको इसको सॉल्व करना है, तो 9 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, सही है, और ये क्या आ जाएगा 17, और ये x आ गया, अब इसमें से माइनस करेंगे इट इज 21 आ जाएगा, 21 और ये क्या आ जाएगा 17x आ जाएगा, सही बेटा, 17 यहां पे मल्टीप्लाई करा, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 17 को आपने डिवाइड कर दिया, लेस देन इक्वल टू x, सही बेटा, और 21 डिवाइडेड बाय 17 कर लिया, 21 डिवाइडेड बाय 17 इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगी ये वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 1.2 हो जाएगी, 1 डीपी में लिख लीजिए 1.2 अप्रोक्सीमेटली, ये x है, यानी x की वैल्यू 1.2 से बड़ी और 4.8 से छोटी। अब इसकी देखिए, अब मैंने मुझे इन इन दोनों इनइक्वालिटीज की कंबाइन, इन दोनों इनइक्वालिटीज की इन दोनों कंबाइन लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज बता रही है जो इनके अंदर लाए कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर अप्रोच क्या है कि मैं इनकी पहले नंबर लाइन बनाऊं, क्योंकि अभी बिल्कुल लर्निंग स्टेज पे, बेसिक स्टेज पे हमें नंबर लाइन से अच्छे तरीके से पिक्टोरियल अच्छे तरीके से समझ में आता है इंसान की फितरत है, तो मैं नंबर लाइन से आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर आपने क्या किया, ये जीरो हो गया आपके पास, ये आपके पास वन, और ये आपके पास टू, ये वैल्यू क्या होगी थ्री, ये वैल्यू फोर, और ये वैल्यू फाइव होगी, सही बेटा, इंटीजर वैल्यूज वो वैल्यूज होती है जो डेसिमल में नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती है, सही है, इंटीजर वैल्यूज वो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फ्रैक्शन में नहीं लेंगे, डेसिमल में, रूट में नहीं लेंगे, दोस वैल्यूज आर इंटीजर वैल्यूज, पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, सही बेटा, ये हमने नंबर लाइन हमने बना दी इसकी, ये हमारी माइनस वन माइनस टू, ये हमने नंबर लाइन बनाई। अब पहली वाली इनइक्वालिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पहली वाली इसकी 4.8 से छोटा, 4.8 पे सर्कल, यानी 4 यहां पे आएगा, 4.8 यहां पर अप्रोक्सीमेट, तो इधर छोटा सा सर्कल बना दिया, इधर छोटा सा सर्कल बनाया और ये इस तरफ लाइन ले गया, बस छोटे सारी वैल्यू छोटे। अब दूसरा कह रहा है 1.2 से बड़ी, 1.2 से बड़ी मैंने क्या कर दिया, 1.2 ये आ गया, 1.2 अप्रोक्सीमेटली यहां पे आएगा और उससे सारी बड़ी यहां पे इधर ले गया। अब इनके कंबाइन बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, बीच में अब इन दोनों लाइनों के बीच में कौन सा एक इंटीजर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 इंटीजर आ रहा है, तो दैट मींस इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएंगे, इस क्वेश्चन के इंटीजर वैल्यूज क्या आ जाएंगे जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, वो 2 है, 3 है एंड 4 है, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर्स के अंदर, सही है, आपने दोनों इनइक्वालिटीज को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करिए और देख लीजिए बीच में उनके बीच में इंटीजर वैल्यूज कौन सी नजर आ रही है आपको, तो 1.2 से बड़ी और 4.8 से छोटी, तो वो आपको 2, 3, 4 तीन नंबर नजर आ रही है, जो तीन नंबर्स है ना 2, 3, 4 ये आपके आंसर, इसको इंटीग्रल्स भी कहते हैं या इंटीजर्स कहते हैं, ये समझ में आया आपको, पहला पार्ट लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई, जो कि इस इनइक्वालिटी को सर, तो सबसे पहले हमने जो कंबाइन इनइक्वालिटी को उसको स्प्लिट किया और उसको स्प्लिट करके फिर हमने उसकी दोनों सेपरेट अलग अलग इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई वर्जन के अंदर बनाई और देन उसकी नंबर लाइन बना के हमने क्लियरली समझा कि इसमें हमें क्या चाह रहा है, क्या मालूम हमारा रिजल्ट क्या है, वो हमने रिजल्ट निकाला बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का बी पार्ट का है आपके, बी पार्ट के अंदर क्या है, अब बी पार्ट के अंदर बेटा आपको क्या कह रहा है, इन बी पार्ट आपके 5x-6 और ये 30 है और ये 7x-9। अब इसमें भी दो अलग अलग कर देते हैं इसको, इस इनइक्वालिटी को अलग कर दूंगा मैं, इस पोर्शन को अलग कर दूंगा और इस पोर्शन को मैं अलग कर देता हूं, इस पोर्शन ये बॉक्स सिर्फ आपको समझाने के लिए बॉक्सेस में कर रहा हूं, दोनों पोर्शन को अलग कर देता हूं। अच्छा, इस पोर्शन को मैंने किया क्या, 5x-6 और लेस देन 30, ये आप कैसा आ गया, और दूसरी मेरे पास क्या है, किस कलर में, अच्छा ये, और क्या 30 और 7x-9। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व, पहले इसको 30 कर, 9 उधर क्या हो रहा है राइट हैंड साइड पे प्लस है माइनस है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, सही है, 9 सॉरी 7 लिख दिया मैंने, ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 7x आ गया और ये कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39। अब 7 से मैं क्या करूंगा दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो 39 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा,
तो ये आपका इसका 7x डिवाइडेड बाय 7 हो गया बेटा। अब जरा इसके देखें 39 डिवाइडेड बाय 7, अच्छा ये 7 से 7 कैंसिल होगा, इसको 1 डीपी में लिख लीजिएगा। 39 डिवाइडेड बाय 7 आप करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी 5.5 आ जाएगी, कितनी आ गई 5.6 कर दें, 5.x क्या 5.6 से बड़ा। तो ये तो हो गई हमारे पास सॉल्व, ये वाली इनइक्वालिटी तो हमारे पास क्या हो गई सॉल्व हो चुकी। अब राइट साइड वाली इनइक्वालिटी को कटने से हुआ, तो इससे पता चल गया कि जो x की इंटीजर वैल्यू है वो 5.6 से बड़ी है, 5.6 से बड़ी मतलब 6 है 7 है 8 है 9 है और अब 2 चलता जा रहा है। अब इसको देखें यहां पर 6 क्या हो रहा है सबट्रैक्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा सही है। और ये 5x और ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और 5 से दोनों तरफ आपने क्या कर दिया यहां पर भी डिवाइड कर दिया और यहां पर भी आपने 36 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, और ये आपके x इज 36 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 7.2 आएगा। जी जी अगर इसको नेगेटिव 5 से डिवाइड कर दे तो ये जो बीच में साइन है चेंज होता था ना, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ऑपरेटर इन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये कल की क्लास के अंदर मैंने क्लियरली बता दिया इनइक्वालिटीज के अंदर, जब भी किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर जब भी वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते वक्त किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से तो ऑपरेटर इन्वर्ट है, यानी अगर ऑपरेटर ग्रेटर देन होगा तो वो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इन इक्वल टू होगा तो लेस देन इन इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड आएंगे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे आपका 100% आएंगे ये वो प्रॉपर्टी यूज करते हुए। अब देखो ये कंबाइन इनइक्वालिटी है, अब इस इनइक्वालिटी के अंदर कंबाइन में हमें क्या कहते हैं लिस्ट, यानी कि कह रहे हैं कि इस ये जो कंबाइन इनइक्वालिटी है ये इसके अंदर कौन कौन से इंटीजर लाई कर रहे हैं, यानी किन इंटीजर्स को ये सेटिस्फाई कर रही है, किन इंटीजर्स वैल्यूज को सेटिस्फाई। तो हमने क्या किया, हमने इसको पहले तोड़ा दो इनइक्वालिटीज के अंदर स्प्लिट कर दिया, फिर दोनों को सेपरेटली सिंप्लीफाई किया, अब दोनों को सेपरेटली सिंप्लीफाई वर्जन आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया दोनों की नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन हम बनाते हैं, नंबर लाइन हमने कैसे बनाई, हमने क्या किया यू, ये हमने नंबर लाइन इधर से ये हमने की और ये हमारे क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि देखिए हमने और ये -1, -2 सही है क्योंकि मेरी वैल्यूज इसी रेंज में। अब देखो पहली वाली देखें, अब पहली वाली मेरी क्या आई, पहली वाली मेरी 7.2 से छोटी और 7.2 के साथ इक्वल टू नहीं है तो होल सर्कल बनाऊंगा, 7.2 यहां पे आ गया अप्रोक्सीमेटली, तो यहां पर छोटी मतलब ये सारी ये इनइक्वालिटी इसकी बन गई, इसकी नंबर लाइन बन गई। अब दूसरे कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन 5.6, 5.6 से बड़े, 5.6 कहां पे आ गए यहां पे आ गए 5.6 और इससे बड़े और इसमें भी इक्वल टू नहीं तो होल सर्कल बनाऊंगा, तो इससे बड़े ये सारे आ गए। अब इनके बिटवीन कौन से इंटीजर लाई कर रहे हैं, इनके बिटवीन यानी कि 5.6 और 7.2 के बिटवीन, तो वो इंटीजर 6 लाई कर रहे हैं और 7 लाई कर रहे हैं, ये दो इंटीजर्स लाई कर रहे हैं, तो हमें इंटीजर वैल्यूज इनके दोनों इनइक्वालिटीज को जो सेटिस्फाई करें वो चाहिए ना, तो हमारे इस सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस दीस टू इनइक्वालिटीज या कंबाइंड इनइक्वालिटी का आंसर क्या है 6 और 7 हमारा आंसर आ गया सही है। रिपीट कर रहा हूं आपने नंबर लाइन से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो ये आपके पास क्या है कंबाइन इनइक्वालिटी है और कंबाइन इनइक्वालिटी के आपको रेंज ऑफ आंसर चाहिए, तो आपने सबसे पहले इस कंबाइन इनइक्वालिटी को स्प्लिट करेंगे आप दो दो टू इनइक्वालिटीज के अंदर, दोनों को पहले सिंप्लीफाई करेंगे उनके सिंप्लीफाई एडिशन आएंगे और फिर देखेंगे। एक देखा तो हमने 7.2 से छोटी यानी कि 6, 5, 4, 1 आपके 0, -1 ऑल वैल्यूज आर इंटीजर इसके आंसर हैं, और दूसरी का 5.6 से बड़े यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 और 2 और दोनों के जो कंबाइन इंटीजर आ रहे हैं वो सिर्फ दो वैल्यूज आ रही है वो 6 और 7 आ रही है, तो जो कंबाइन दोनों के वैल्यू वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे यानी 6 ऐसी वैल्यू है जो 5.6 से बड़ी भी है और 6 ऐसी वैल्यू है जो 7.2 से छोटी भी है और 7 ऐसी वैल्यू है जो 5.6 से बड़ी भी है और 7.2 से छोटी भी है। अगर मैं 8 ले लेता हूं तो 8 तो 5.6 से बड़ा होगा मगर 7.2 से छोटा है नहीं तो दूसरी इनइक्वालिटी फॉल्स हो जाएगी, तो वो वैल्यूज जो दोनों इनइक्वालिटीज को क्या करें ट्रू करें वो हमारे आंसर है सही है। इंटीजर वैल्यूज बताइए, इंटीग्रल लिखा हुआ है ये इंटीजर वैल्यूज है बेसिकली, ये बी पार्ट था ये क्वेश्चन और ये भरे पड़े हुए आपके पास पेपर के अंदर ये क्वेश्चन सही। ओके अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, सी पार्ट के अंदर बेटा हमारे पास क्या है इन क्वेश्चन सी पार्ट के अंदर हमारी क्या है 4 और ये 2x प्लस 5। अब देखो बेटा अब जरा मैं एक खास आप लोगों को बहुत शॉर्टेस्ट टेक्निक भी बताता हूं। अब देखो ए पार्ट और बी पार्ट में देखो जरा कि उसमें जो दो इनइक्वालिटी के ऑपरेटर थे और इसमें सी पार्ट में भी दो इनइक्वालिटी के ऑपरेटर हैं, एक ये रहा
और एक ईयर है, यानी कंबाइन हुई, दो इनइक्वालिटीज क्या है, कंबाइन हुई हुई है। बट डिफरेंस क्या है उसके, यानी ए और बी से किस तरह से ये सी पार्ट डिफरेंट है, सी और डी पार्ट किस तरह डिफरेंट, क्योंकि उसमें जो लेफ्ट साइड पे भी एक्स आ रहा था, राइट साइड पे भी एक्स आ रहा था और बीच में नंबर था। और इस इन सी पार्ट के अंदर जरा गौर से देखें, लेफ्ट साइड पे नंबर है, राइट साइड पे भी नंबर है और दोनों इनइक्वालिटी के बीच में एक्सप्रेशन है। अब जब दोनों के बीच में एक्सप्रेशन हो तो इसके दो अप्रोचेस होती है। एक अप्रोच तो ये कि आप दो इनइक्वालिटीज में तोड़ दें, दो इनइक्वालिटीज में तोड़ने का मतलब जिस तरह से आप तोड़ने का तरीका सीखें, यानी एक ये इनइक्वालिटी बना दें और एक ये बना दें और फिर इसको उसी तरह से लेके चले, उसी तरह से लेके चले जिस तरह से हम लेके चलते थे। और एक शॉर्टेस्ट टेक्निक भी है, शॉर्टेस्ट टेक्निक है जब वो सिर्फ तब वैलिड होगी जब बिटवीन वेरिएबल होगा, दोनों इनइक्वालिटी के दरमियान में वेरिएबल्स की एक्सप्रेशन होगी और लेफ्ट राइट पे सिर्फ नंबर होगा, जिस तरह से सी पार्ट में लेफ्ट राइट पे इधर 4 है और राइट पे क्या है 9 है और डी पार्ट में -14 है और इधर 9 है, बीच में एक्सप्रेशन है। तो बीच में जब एक्सप्रेशन हो तो तब एक डिफरेंट टेक्निक है, वो बताता हूं। तो वो क्या टेक्निक है, देखो हमें इधर यहां पे एक्स बनाना है, अब यहां पे एक्स बनाना है, अब मैं दो इनइक्वालिटी के अंदर स्प्लिट नहीं करूंगा, अब मैं इसी को लेकर चलूंगा, होल इनइक्वालिटी, होल ये कंबाइंड इनइक्वालिटी को लेकर चलूंगा। अब मैं करूंगा इसको, मुझे एक्स बनाना है तो सबसे पहले तीनों में पहले 5 को खत्म करना है, तो तीनों में 5 सेपरेट कर दूंगा, तीनों में क्या करूंगा 5 को इधर भी सेपरेट कर दिया, 2x प्लस 5 माइनस 5 हो गया और ये इधर भी सेपरेट कर दिया, यानी तीनों में एक ही काम करूंगा और ये आंसर मेरे पास 1-1 आ गया और ये मेरे पास क्या गया 2x आ गया, ये कैंसिल हो गया और यहां पर मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब मुझे यहां पर 2 बनाना है, तीनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तीनों को क्या करूंगा 2 से डिवाइड, अब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी तीनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या आ गया -1.2 का मतलब 0.5 और ये आपका इसका हो गया x हो गया और ये आपका मतलब क्या हो गया 2 हो गया। तो यहां पर क्या कह रहा है कि -0.5 से बड़े और 2 से छोटे, 2 से छोटे। अब इसके बिटवीन कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, अगर विदाउट नंबर लाइन देखें तो इसके बिटवीन हमारे पास इंटीजर्स कौन से आते हैं, हमारे इंटीजर्स आ रहे हैं सॉल्यूशन सेट -0.5, सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया, हमारे सॉल्यूशन सेट आ रहे हैं 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, ये हमारा आंसर आ गया। मगर नंबर लाइन की हमने कह रहा हूं आप कर ले, नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से कर ले, आप इसकी इनइक्वालिटी बना लेते हैं क्योंकि ये कंबाइन फॉर्म के अंदर है, कंबाइन फॉर्म में बना ले 0, 1, 2, 3, -1, -2। अब इसका आपने कंबाइन कंबाइन ही बना रहे क्योंकि 1.5 यहां पे आया और सॉलिड सर्कल आपने किया, यहां पर आपने क्या कर दिया सॉलिड सर्कल और यहां पर क्या है 2 पर सॉलिड सर्कल कर दिया। तो इसके बिटवीन की वैल्यूज ये आपने नंबर लाइन बनाया। अब इसके बिटवीन इंटीजर्स कौन कौन से आ रहे हैं, इसके बिटवीन इंटीजर्स आपके कौन कौन से आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 भी आ रहा है क्योंकि 2 पर सॉलिड सर्कल है क्योंकि इक्वल टू लिखा हुआ है, तो वही आपने लिख दिया, ये आपके आंसर आ गया। क्लियर बेटा, समझ में आया ये क्वेश्चन आप लोगों को, ये क्वेश्चन प्रीवियस ए और बी से डिफरेंट था और इसको मैंने डिफरेंट टेक्निक से किया, मैं उस टेक्निक से दो स्प्लिट करके भी कर सकता था, हो सकता था उससे भी हो सकता था, मगर ये जब आपको इस तरह से हो लेफ्ट राइट पे आपके नंबर हो और बीच में एक्सप्रेशन हो तो उसको जो टेक्निक अभी बताई इस टेक्निक से करें ज्यादा बेहतर है, ये शॉर्टेस्ट टेक्निक होती है, सिर्फ सी और डी पार्ट इस टेक्निक से हो सकते हैं, ऊपर वाले नहीं हो सकते, सही है। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट डी पार्ट पे आते हैं, इसी क्वेश्चन का डी पार्ट है। अब लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज बतानी है, डी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है क्वेश्चन, डी पार्ट की हमारी हमने देखा कि यार कंबाइन इनइक्वालिटी है, कंबाइन इनइक्वालिटी डी से इतना से नहीं लिखा, लग भी नहीं रहा डी, कुछ अजीब ही लग रहा है डी, तो -14 आपने लिखा और आपके इसके 10x प्लस 9 और ये 9 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि बेटा यहां पर आपने x बनाना है और आपने देख लिया इधर भी नंबर है और इधर भी नंबर है, दोनों तरफ नंबर है, अब x बनाना है तो सबसे पहले तो 9 को खत्म करना पड़ेगा, तो तीनों में 9 सबट्रैक्ट करवा दें क्योंकि 9 प्लस फॉर्म में, तो तीनों में 9 सबट्रैक्ट करवा दें, तो इधर भी 9 सबट्रैक्ट करेंगे इधर 10, अच्छा प्लस माइनस करने से 9 को तब हमारे ऑपरेटर नहीं चेंज होते, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से चेंज होते हैं, -9 और ये 9-9 हो जाएगा। तो ये तो बेटा आप कैसा क्या -9 ऐड कर दूंगा तो माइनस कितना हो जाएगा -23 हो जाएगा, सही है, 14 प्लस 9 आपके इसके हो जाएगा 23 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और ये कैंसिल हो जाएगा 10x आ गया, सही है, और यहां पर भी कैंसिल हो गया ये 0 आ गया। अब मुझे यहां पर x बनाना है तो तीनों में 10 से डिवाइड कर, पॉजिटिव 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो 23 और यहां पर भी 10 से डिवाइड किया और यहां पर भी 10 से डिवाइड किया और यहां पर भी 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया -2.3 आ जाएगा और ये मेरे पास क्या आ गया x आ गया और ये 0 ही हुआ, बन गया, हमें पता चल गया माइनस 2.3
2.3 से बड़े और 0 से छोटे। अब इसके अंदर मैंने इंटीजर कौन कौन से हैं, माइनस टू है, वन और माइनस वन है, सिर्फ ओनली टू इंटीजर्स है। अब हमें इसकी रेंज को ही देखते हो, हमने निकाली, नंबर लाइन के बगैर भी हम निकाल सकते हैं इसको। तो इन वैल्यूज के बिटवीन इंटीजर वैल्यू कौन सी, माइनस टू है और माइनस वन, ओनली टू वैल्यूज आर योर आंसर्स। मगर नंबर लाइन क्योंकि हमें काम करते जा रहे हैं, नंबर लाइन से अच्छे कॉन्सेप्ट हम ले लें और समझने में हमें आसानी हो, तो हम नंबर लाइन भी बना देते हैं। नंबर लाइन कर दिया, पहले आपके उस वैल्यूज को फिट कर दिया, जीरो वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। और यहां पर देखिए अगर आपके वैल्यू क्या है, 2.3, 2.3 पे होल बनाना है, 2.3 माइनस 2.3 पे होल बनाया, वहां से कहां तक, जीरो पे होल बना दिया, और इसके बिटवीन इन वैल्यूज के बिटवीन। अब इन वैल्यूज के बिटवीन देखिए मेरे इंटीजर कौन कौन से मुझे नजर आ रहे हैं, इंटीजर मुझे सिर्फ माइनस टू नजर आ रहा है और माइनस वन नजर आ रहा है बिटवीन, तो सिर्फ ये दो इंटीजर, जीरो नहीं होगा क्योंकि वहां पे इक्वल टू नहीं है, सॉलिड सर्कल नहीं है हमने बनाया, क्योंकि साथ में इधर इक्वल टू होता तब जीरो भी होता, सही क्लियर। ये हमारा आंसर हो गया, ये कंबाइन इनइक्वालिटी को मैंने क्या कर दिया, सॉल्व किया है, सही है, ये कंबाइन इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है, सही है बेटा। ये एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन आते हैं हम, सही है, ये क्वेश्चन नंबर टू था, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के, देखिए बेटा ओके। इसमें हमारे पास ये थोड़े सा नेक्स्ट टू क्लासेस भी लगेंगी और ये टॉपिक आपका बहुत ग्रिप में आ जाएगा, सही है, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो एक अजीब पैटर्न है ना, एक रेंज के अंदर बात हो रही है, दूसरी भी रेंज है, दो रेंज के अंदर है, मगर दोनों रेंज आपके पास एक सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर दूसरी नहीं है या दोनों नहीं हो, तो इसमें भी कर लेंगे, इसमें भी इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू, मतलब इंटीजर वैल्यू यानी इंटीग्रल इंटीजर वैल्यूज बतानी है, लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज बतानी। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह मैनिपुलेट करेंगे वो देखिए, 3x is greater than and less than 6 आप कैसे कर रहे हैं, ये हो गई, और दूसरी एंड आप कैसे क्या, दूसरी क्या 8 और 2x और ये 17 हो जाएगी बेटा। अब ये वाली जो आपकी लेफ्ट हैंड वाली है ना, ये तो ऑलरेडी आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर है, हमने देख लिया ये तो सिंप्लीफाई, ये वाली नहीं है, इसमें यहां पर मुझे x बनाना है। अब यहां पर मुझे x बनाना है तो तीनों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 divided by 2 और ये क्या 2x divided by 2 और ये मेरे पास 17 divided by 2 हो जाएगा, सही बेटा, ये 4 हो गया और ये x हो गया, और 17 divided by 2 क्या हो जाएगा, 17 divided by 2 मेरे पास आ जाएगा 8.5 हो जाएगा, सही है 8.5। अब जरा दोनों को देखें, गौर से देखें, नंबर लाइन से बेहतर है आप किस तरह देखें, देख 3 से 6 के दरमियान बिटवीन इंटीजर कौन से, 3 से 6 के दरमियान 4 है 5 है, ओनली ये दो इंटीजर्स हैं, और इधर देखिए 4, ये भी 4 भी शामिल है क्योंकि इक्वल टू इधर साथ में लगा हुआ है, 4 से 8.5 के दरमियान के इंटीजर्स कौन से हैं, 4 है, 4 आपके पास हो गया, और आपके पास कौन से हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 8.5 नहीं ले सकता, वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो ये इंटीजर्स आ गए इसके, यानी कि दोनों की हमने दोनों इनइक्वालिटी को सेपरेटली देखा, तो कंबाइन इनइक्वालिटी से सेपरेट देखा, उनके सेपरेट इंटीजर वैल्यूज निकाल, इसके क्या है 4 और 5 आए जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इसके क्या है 4, 5, 6, 7, 8 आए। अब इन दोनों के कंबाइन क्या आएंगे, इन दोनों के जो कंबाइन होंगे ना वो हमारा आंसर होगा, इन दोनों के कंबाइन जो होंगे तो सॉल्यूशन साइड इन दोनों के कंबाइन कौन से हैं 4 और 5 जो इन दोनों में शामिल हो, सही ये आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें दोनों इनइक्वालिटी के कंबाइन इंटीजर चाहिए, क्लियर, ये बात समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, आपके लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स पता नहीं फॉर विच ए पार्ट के अंदर दो इनइक्वालिटीज दे रहे हैं, दोनों के कंबाइन के आपको निकालने हैं, तो ये आपने कंबाइन के दोनों के निकाले, सही है बेटा, ये ए पार्ट था इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सिमिलरली इस क्वेश्चन का हम बी पार्ट करेंगे बेटा। अब इसमें नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें नंबर लाइन की जरूरत नहीं, आपको वैसे भी समझ में आ रहे हैं, इंटीजर पता है इंटीजर वो वैल्यूज होती है जो डेसिमल में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, फिक्स नंबर्स हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, दीस वैल्यूज आर इंटीजर वैल्यूज है। अब बी पार्ट में बिठाए, बी पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, इन पार्ट बी 7 और एक्स प्लस 2 और लेस देन 9 और दूसरा क्या है एंड, दूसरी इनइक्वालिटी क्या है 10 और 2x माइनस 1 और ये 15, सही बेटा। अब देखो मुझे यहां पर दरमियान में x बनाना है तो तीनों और 2 से सब्ट्रैक्ट कर लूं, सारी बात है 2 प्लस 2 है तो माइनस 2 कर दूंगा तो x 2 खत्म हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 2 और यहां पर भी 9 माइनस 2, मैं कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा हूं, ये 5 हो गया और यहां पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा।
अब इसको देखा तो इसमें कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, फाइव से बड़े कौन कौन से हैं, फाइव से बड़ा सिक्स है, सेवन है, और सेवन और सेवन से छोटे सेवन। इसके आंसर में तो सिर्फ यही दो आंसर आए इंटीजर वैल्यू, फाइव से सेवन के बिटवीन कितने इंटीजर आएंगे, देयर आर टू इंटीजर्स ग्रेटर देन फाइव एंड लेस देन सेवन, एंड सेवन से छोटे सेवन और सेवन से छोटे सेवन और सिक्स हो गए, और बीच पीछे नहीं ले जा सकता, तो इसके तो यही दो आंसर आ गए। अब इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसका हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले टू इधर से वन खत्म करना होगा, तो तीनों में वन ऐड कर दूंगा, यहां पर भी वन ऐड कर दिया, 2x माइनस वन यहां पर भी वन ऐड कर दिया, और ये आपके 16 प्लस वन हो जाएगा बेटा, और ये 11 आ गया, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2x, और यहां पर कितना हो जाएगा 17 आपके साथ आ जाएगा, तीनों को 2 से डिवाइड कर दिया, 11 अपॉन 2 और ये क्या आ जाएगा 2x अपॉन 2 और ये क्या आ जाएगा 7 अपॉन 17 अपॉन 2 आ जाएगा, सही है, तीनों को 2 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्लियर। अब यहां पर पॉजिटिव 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करूं तब ऑपरेटर चेंज नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, इट इज 5.5 हो जाएगा, ये 5.5 हो गया, ये x हो जाएगा और ये 8.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8.5। अब इसके बिटवीन इंटीजर कौन से, इसके बिटवीन इंटीजर्स हैं 5.5 से बड़ा इंटीजर, 5.5 से बड़ा इंटीजर 6 है, 7 है, और 8 तो हो नहीं सकता क्योंकि 8.5 8 भी है, 8 भी बड़ा है, और 8.5 से छोटे, तो 8.5 से छोटा 8 ही होता है, 8 6 7, तो कंबाइन इसके क्या आ गए, इसके ये 3 आ गए, और इन दोनों में कंबाइन कौन से, इन दोनों में जो कंबाइन होंगे वो आंसर है हमारा, तो दोनों का कंबाइन नंबर कौन से, जो एक जैसे दोनों का सेट्स की फॉर्म में हम कहें, दोनों के इंटरसेक्शन कौन सा है, 6 और 7 है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा, ये डी पार्ट था इसका, सही है बेटा, सी और डी पार्ट आप लोगों का एचडब्ल्यू है, आप लोगों ने खुद करना है आपने, आप लोग करेंगे, तो ये तीन क्वेश्चन आज के थे, आज इस तीन क्वेश्चन तक हम रखते हैं क्योंकि आज काफी अभी, और कल का लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों को, सही है, आज क्लास के बाद, और आज का लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा जी, वीडियो यूट्यूब पे डाल के लिंक ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, सही है, आज की वीडियो भी और कल जो मैंने क्लास ली है कल की वीडियो भी कर दूंगा, और इसको बिल्कुल सुकून से आपने वर्कशीट भी शेयर कर देता हूं इनइक्वालिटी की, ये आपको जब कंप्लीट करनी है, एक एक क्वेश्चन करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे हर किसी चाहिए, भले आप एक हफ्ते का टाइम ले ले, कोई इशू नहीं है, एक एक बच्चे को मैं कह रहा हूं इसको लाजमी करना है, प्रैक्टिस करनी है, ये वर्कशीट के ऑल क्वेश्चंस करने शुरू के, कल के जरा बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, आज अच्छे क्वेश्चन शुरू, तो नेक्स्ट टू क्लासेस के अंदर मैं इस टॉपिक को क्लोज कर दूंगा, सही है बेटा, ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है जी, ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।